केस स्टडी सूरज। मैं अपनी फैमिली से बहुत अटैच्ड हूँ। हाउएवर मेरे अंदर एक गिल्ट है। आई हैड एन अफेयर फॉर फ्यू ईयर्स जब मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं रहती थी। क्योंकि मैं आउट ऑफ इंडिया जॉब कर रहा था। दो दैट चैप्टर इज ओवर नाउ एंड इट्स बीन ईयर। मेरी वाइफ को सब पता भी चल गया था, स्टिल मैं अपने आप को समझ नहीं पा रहा था कि मैंने ऐसे किया ही क्यों। आई एम नॉट एबल टू फॉरगिव माई सेल्फ फॉर दिस। मैं अपनी फैमिली के लिए हमेशा डेडिकेटेड रहा, बट मुझसे ऐसा क्यों हुआ? आई एम फेसिंग मैनी इंटरनल इशूज ड्यू टू दिस। आई एम फीलिंग इमोशनली ड्रेन्ड। आई हैव सच अ लविंग वाइफ एंड किड्स। मैं स्पिरिचुअल इंसान भी हूँ, कर्मा को भी मानता हूँ, फिर भी ऐसे क्यों हुआ? आई विश टू नो थ्रू माई सेशन। सूरज ही बहुत पोलाइट इंसान है। उनसे बात करने के बाद मुझे ये बात बहुत क्लियरली महसूस होने लगी कि वो और उनकी वाइफ दोनों ही अंदर से परेशान थे। ही विश टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, सो वी फिक्स्ड हिज सेशन ऑनलाइन। द सेशन बिगिंस। हीलिंग गार्डन में जाकर सूरज जी के चेहरे पर एक प्योर सी स्माइल आ गई। बहुत बार आया हूं मैं यहां, ऐसा फील हो रहा है। हर तरफ हरियाली है और मैं नंगे पैर खड़ा हूं। एक सफेद कुर्ता पजामा मैंने पहना है और मेरे भूरे और काले बाल हैं, कुछ मिक्स शेड है। व्हाट्स योर नेम? आत्माराम। मेरा बड़ा सा मिट्टी का घर है, ये पक्की मिट्टी का घर है। ओके और कोई है साथ में? एनी अदर फैमिली मेंबर? मॉम, डैड एंड छोटा भाई। ही इज ऑल्सो माई करंट लाइफ रियल ब्रदर। ऑल ऑफ अ सडन सूरज जी गॉट टीयर्स इन हिज आईज। कोई नहीं रहा वहां, कोई नहीं रहा? मेरी फैमिली। सूरज ही बिकेम क्वाइट एंड स्टार्टेड सीइंग हिज प्रेजेंट लाइफ सीन्स। हिज वॉइस बिकेम हैवी एज ही सेड। मैं बीच के पास वाले घर में रहता था, अकेला रूम में। मेरी फैमिली इंडिया में थी 2013। फिर ये साथ में आ गया। कौन आ गया साथ में? ये है कोई बोल रहा है, अच्छा आदमी है तू, इसलिए तेरे साथ आ गया हूं। आस्क हिम टू डिस्क्लोज हिज पर्सनैलिटी। डरने की कोई बात नहीं, कहां से आए हो ये बताओ। ग्रेवयार्ड से, जो बीच के पास है ना वहां। सूरज जी जोर से चिल्लाए, एज इफ ही वॉज इन पेन। मार दिया उन्होंने मुझे बुरी तरह से। किसने मारा आपको, हम जानना चाहते हैं। तीन औरतों ने मिलकर। ओके, तुम्हारा लिंक क्या है उन तीन औरतों से? उनमें से एक बड़ी मालकिन है, उनके घर के काम करने के लिए मैं जाता था। मैं सिर्फ 16-17 साल का ही था। कौन सा काम करते थे तुम? कुछ वुडन वर्क और मालकिन का बिजनेस था, कैमल रेसिंग का। मैं उन कैमल्स का ख्याल रखता था, पर मुझे इन्होंने मार दिया पकड़कर। तीन लेडीज थी ये। सूरज जी की आवाज बदली हुई थी, वो दर्द में करहा रहे थे। नाम क्या है तुम्हारा? The entity didn't reveal the name। मैं पैसे मांगने आया था वहां, मालकिन रूम में ले गई, मुझे रिलेशनशिप के लिए फोर्स करने लगी। She closed the doors। मैंने हाथ जोड़कर कहा, मैं ये सब नहीं कर सकता, मुझे जाने दो, बस पैसे दे दीजिए। जिसके लिए उन्होंने मुझे मना कर दिया और फिर बोला, पहले जो कह रही हूं वो करो। मैं जब गुस्से में चिल्लाया कि सबको बता दूंगा आप क्या कर रहे हो, तो मालकिन ने बाहर से दो और लेडीज को अंदर बुला लिया। तीनों ने मुझे पकड़ा। मैं बहुत बहुत ज्यादा डर गया था। सूरज जी जोर से रोने लगे। मैं सबको बताऊंगा, सबको बता दूंगा तुम लोग क्या करते हो। बाकी दो लेडीज कौन हैं? मालकिन के यहां रहती हैं, मुझे नहीं मालूम। ओके, क्या तुम बताओगे फिर क्या हुआ तुम्हारे साथ आगे?
मेरे सिर पर जोर से किसी ने कोई मोटी चीज मारी है। मैं बेहोश हुआ। फिर मुझे तीनों घसीटते हुए दूसरे कमरे में ले गए। ओके एंड देन एक लेडी बोल रही है, मारना जरूरी है इसको, सब कुछ बता देगा वरना ये बाहर हम सब पकड़े जाएंगे। मेरे हाथ पकड़ कर रखे हैं एक ने और दूसरी ने पैरों को जोर से पकड़ा हुआ है, और जो तीसरी औरत है उसने एक पिलो लिया हुआ है और वो मेरा दम घोट रही है। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा किसी को। जो स्पिरिट अटैच थी सूरज के ऑरा के साथ, वो जोर जोर से अरबिक में कुछ बोलने लगी। क्या बोल रहे हो, मुझे हिंदी या इंग्लिश में सूरज जी के थ्रू बताना होगा। जब तुमने शरीर छोड़ा फिर क्या हुआ, अपने शरीर को देखो। विद एन अग्रेसिव टोन ही रिप्लाइड, वहीं था उसी घर पर, देख रहा था कि क्या करते हैं वो मेरे साथ, छत पर बैठा हुआ हूं। ओके, फिर क्या हुआ बताओ। पता नहीं, पर मैं उस बीच के पास जो शमशान है वहां आ गया हूं, वहां मेरा शरीर है, वहां से मैं आता जाता रहता हूं। बट तुम सूरज जी के ही पीछे क्यों आए। सीधा है ये आदमी, मैन्युपुलेट कर सकते हैं इसको। पर तुम सफेद रोशनी में क्यों नहीं गए मरने के बाद, यहां रुक क्यों गए। बदला लेना है, रिवेंज, बदला, बदला लेना है, नहीं छोड़ूंगा। किसको नहीं छोड़ोगे, इस बात को हुए तो बहुत साल बीत गए हैं। मैं किसी भी औरत को जो बुरी है या गलत काम करती है उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें पता है तुम मर चुके हो, ये जगह अब तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें ऊपर जाना होगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द एंटिटी बिकेम मोर एग्रेसिव। नहीं जाऊंगा, इसके साथ ही रहूंगा, बदला लूंगा जब भी होगा, नहीं छोड़ूंगा। I tried my level best to convince the soul to leave Suraji's body, but the entity was adamant. वो जाना नहीं चाहती थी। देखो, एंजल्स आए हैं लेने। तुम्हारा कोई तो फैमिली मेंबर होगा ना जो स्पिरिट वर्ल्ड में है, जिनकी डेथ हो गई थी। हाँ, एक अंकल है। वेरी गुड, तुम्हें नीचे लेने आए हैं। तुम मर कर किसी से बदला नहीं ले सकते, तुम्हें समझना होगा तुम फंसे हुए हो। बदला लेना है ना तुम्हें। हाँ लेना है बदला, The entity replied sternly. तो पहले सफेद रोशनी में जाओ, नया बर्थ तो लेकर आओ, फिर बदला लेना। फिर से कैसे ले सकता हूं बदला, कयामत तक का वेट मैं नहीं कर सकता, कयामत अभी नहीं आई है। Intuitively, I felt the situation must be dealt with more compassion. So I said, देखो, अपने आप को पहचानो। जब तुम आए थे इस दुनिया में, जब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उससे पहले भी क्या तुम्हारे अंदर इतनी नफरत थी? क्या तुम बदला लेना चाहते थे किसी से? तुम्हें पता है ना, भगवान ने तुम्हें बहुत प्यार से बनाया है। तुम्हारे साथ गलत हुआ है, बहुत गलत, ये हम समझते हैं, सूरज जी भी समझते हैं। पर अब तुम्हें इस दर्द से बाहर निकलना होगा। ईश्वर को दे दो अपना सारा दर्द, उनसे अच्छा बदला क्या कोई और ले सकता है। कुछ देर चुप रहने के बाद दी एंटिटी स्पोक अगेन। मैं नहीं था बुरा, मैं अल्लाह को हमेशा मानता था, पर मेरे साथ सही नहीं हुआ। मैं समझती हूं, देखो तुम प्यार से ही बने हो। सूरज जी भी तकलीफ में है और उनकी फैमिली भी, इन्होंने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, इसलिए देखो ऊपर अल्लाह की सफेद रोशनी और इतने सारे प्यारे फरिश्ते लेने आए हैं तुम्हें। कितने स्पेशल हो तुम, यहां फंसकर तड़पते हुए रहना चाहते हो या खुदा के पास प्यार पाना चाहते हो। मैं प्यार पाना चाहता हूं। बहुत अच्छे, मेरे पांच गिनने पर तुम सूरज जी का शरीर छोड़ दोगे और व्हाइट लाइट में हमेशा के लिए पहुंच जाओगे। कहो, तैयार हो अपनी नई जर्नी के लिए।
क्या ये सच है? मुझे प्यार मिलेगा वहां? क्या दर्द मेरा अंदर का सब चला जाएगा? बिल्कुल, जाकर तो देखो, उस एंटिटी ने कुछ अरबिक में फिर से बोला। एंड द मोमेंट आई कंप्लीटेड काउंटिंग 5, सूरजी's फिंगर्स व्हिच गॉट ट्विस्टेड अर्लियर ड्यूरिंग द सेशन केम बैक टू नॉर्मल एज हिज रेज्ड हैंड्स फेल डाउन टू हिज साइड्स ऑन द बेड। जेंटली हमने ये सेशन क्लोज किया। सो हम देखना तो पास्ट लाइफ चाहते थे, बट हमारा सबकॉन्शियस बहुत इंटेलिजेंट होता है। वो हमें लेकर आता है उस पॉइंट पे जिस पर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबकॉन्शियस ने बताया कि जो वो प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम पे हम फोकस कर रहे हैं, जो हम पाना चाहते हैं आंसर, सूरज जी के अंदर था। बहुत गिल्टी कॉन्शियस थे कि उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया। उनके अंदर एक कॉन्स्टेंट फीलिंग थी, एक उदासी थी कि वो रास्ता कैसे भटक गए। वो तो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे अपने फैमिली को लेके। सो इस केस में एंटिटी अटैचमेंट का ही रोल था। सूरज जी की जो पर्सनैलिटी थी उसको ओवरपा कर रही थी उस एंटिटी की पर्सनैलिटी। उसको औरतों से, स्पेशली बुरी औरतों से बहुत बहुत ज़्यादा नफरत थी और वो नुकसान पहुंचाना चाहती थी उनको भी। एंड कहीं ना कहीं सूरज जी की भी एनर्जी डिप्लीट हो रही थी। सेशन के बाद उन्होंने बताया कि ही फेल्ट रियली रियली लाइट और अभी भी उनको बहुत हल्का महसूस हो रहा है। कमाल की बात यह है, उनको अरबिक नहीं आती और ये जो एंटिटी थी वो बार बार, कई बार इनफैक्ट, अरबिक वर्ड्स यूज कर रही थी। स्पेशली जब वो वाइट लाइट में मिल रही थी तो इट वॉज अ काइंड ऑफ प्रेयर विच आई कुड बेसिकली कॉम्प्रिहेंड। कुछ प्रेयर थी अरबिक में। जब मैंने उनसे पूछा कि आपको अरबिक आती है तो उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने कभी अरबिक नहीं सीखी। आई रियली विश वेल फॉर हिम और उनकी फैमिली को बहुत बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। उसके साथ साथ मुझे बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। हर चीज़ ऊपर वाला करता है। वी आर जस्ट द वेसल्स। दैट्स ऑल आई वॉन्टेड टू से हियर। आप अपना ख्याल रखिएगा। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस केस स्टडी। ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं मेरे पास जो मैं टाइम टू टाइम शेयर करती रहूँगी। And I'm also on Instagram. If you want, you can follow me there also. My ID is soul_anjum_healer. वहाँ पे मैं छोटी छोटी मोटिवेशनल वीडियोज़ डालती रहती हूँ, कभी कभार कुछ कोट्स डालती रहती हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो मुझे अपनी क्वेरीज भी वहाँ भी पोस्ट कर सकते हैं एंड कॉमेंट सेक्शन में भी कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। टेक केयर, नमस्ते।